Hello students, this is Prachi, welcome to our channel. हम कर रहे हैं class 9, chapter 3, atoms and molecules. Last video में हमने पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट atom, अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें. जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी चलिए शुरू करते हैं तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं तो सबसे पहला लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंट राइट right? कि मास जो है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है चलिए पढ़ते हैं इसको क्या है देन एवर अ फिजिकल और केमिकल चेंज टेक्स प्लेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या कह रहा है कि कभी भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनका मास किसकेक्वल होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है इन दोनों को मैंने प्लस किया रिएक्शन कराई और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड अगर मेरे पास थ्री ग्राम कार्बन है और एट ग्राम ऑक्सीजन है तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कितने ग्राम बनेगी इलेवन ग्राम क्यों एट प्लस थ्री कितना हो गया इलेवन तो यानी कि ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये होता है आपका प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बनता है दैट इज प्रोडक्ट तो यानी कि रिएक्टेंट का जो मास हुआ वो भी इलेवन है जो प्रोडक्ट का मास हुआ वो भी क्या है इलेवन है तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलिए सेकेंड डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशो क्या होता है रेशो कॉन्स्टेंट रेशो चलिए इसको पढ़ते हैं इन केमिकल सब्सटेंस एक केमिकल सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड में कंपाउंड क्या होता है डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम डिस्कस करते हैं अगर मैं यहां वाटर uh, का एग्जाम्पल लेती हूँ वेरी सिंपल एच टू ओ एच टू ओ का मतलब है कि वो एक कंपाउंड है कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है जब वो एटम्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं इसकी डिटेल स्टडी हम इसी वीडियो में आगे करेंगे अभी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वाटर वाटर के अंदर आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है राइट right? तो ये दो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं जो जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते तो एक हाइड्रोजन भी एक आपका एलिमेंट हुआ एक ऑक्सीजन भी आपका एक एलिमेंट हुआ तो इनका जो रेशो रहता है बाय मास वो फिक्स रहता है बाय मास का मतलब क्या है यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं दो हाइड्रोजन है ठीक है अगर दो हाइड्रोजन है इसका मैं मास निकालूं। अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट वीडियो में हमने एटॉमिक मासेस लर्न करे थे वो मैं आपको एक बार दिखाती हूं ये देखे यहाँ पर क्या क्या है यहाँ है एटॉमिक मास यहाँ हम बात कर रहे हैं एक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की राइट right? तो हाइड्रोजन का मास कितना है वन ऑक्सीजन का मास कितना है सिक्सटीन और यहां पर दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास है आपके पास वन तो अगर मैं टोटल हाइड्रोजन की बात करूँ दो हाइड्रोजन की बात करूँ तो टू मल्टीप्लाई वन आ गया टू किसका मास मास ऑफ टू हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का अगर यहाँ अगर मास ऑफ यहाँ ऑक्सीजन कितनी है वन वन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो कितना है तो अटोमिक नंबर अटोमिक मास था उसका सिक्सटीन राइट right? तो ये आ गया टोटल हाइड्रोजन का इसके अंदर और ये आ गया टोटल ऑक्सीजन का तो अब अगर मैं इनका रेशो निकालती हूँ किसका रेशो निकालती हूँ हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का वो भी दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का तो क्या बनता है टू डिवाइड बाय सिक्सटीन ये आ गया वन बाई एट तो वन रेशो एट यानी कि जो आपकी हाइड्रोजन है वो ये हो और ये आपकी ऑक्सीजन इनका रेशो आ गया है वन रेशो एट तो ये लॉ क्या कहता है ये लॉ कहता है कि इनका रेशो हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा कि वन और एट रेशो आपका हमेशा फिक्स रहेगा इसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ अगर बढ़ा दूँ या कम कर दूँ इनका रेशो तो वो कभी भी आपका वाटर नहीं बन पाएगा तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब कि रेशो इनके वो भी बाय मास वो भी बाय मास यानी कि एटॉमिक मासेस आपने निकालने हैं उन दोनों के और उनका रेशो निकालना है तो जो रेशो आएगा वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा चलिए अब करते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सिक्स पॉस्टूलेट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख हैं इन पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स तो जब हमने फर्स्ट वीडियो में एटम के बारे में डिस्कस किया था हमने क्या किया था ये एक मैटर है मैटर के अंदर पार्टिकल्स है पार्टिकल्स को और जूम करा और जूम करते करते हम ऐसी स्टेज पर पहुंचे जहां हम फर्दर जूम नहीं कर सकते तो वहां जाकर हमें क्या चीज़ मिली हमें मिले एटम्स तो यानी कि वो चीज़ें जिन जो आगे जाके क्या हो जाती हैं अनकट एबल हो जाती हैं वो हमें मिले एटम्स तो यानी कि वो मैटर का फॉर्म जो बहुत छोटे होते हैं वो क्या होते हैं

हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने एग्जाम्पल लिया था C प्लस ओ टू गिव सी ओ टू यहाँ पर क्या है एटम कार्बन का एटम वन है यहाँ पर भी कार्बन का एटम वन है यहाँ ऑक्सीजन के एटम टू है तो यहाँ भी ऑक्सीजन के एटम टू है एक रिएक्शन के अंदर एक केमिकल प्रोसेस के अंदर ना एटम क्रिएट हो रहा है ना एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है जितना पहले था उतना ही बाद में है दिस इज थर्ड पॉस्टुलेट फोर्थ की अगर हम बात करें एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर मैं किसी एक की बात करती हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस को अगर मैं अलग से देखू ऑटो ऑटो के जितने भी यहाँ पर एटम्स होंगे जितने भी एटम्स होंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे सेम होंगे कैसे सेम होंगे सेम उनका मास होगा सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास की बात कर चुके हैं एटॉमिक नंबर साइज केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी क्या रहेंगी उसकी आइडेंटिकल रहेंगी सेम रहेंगी ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीजन का एटम का कुछ और साइज है दूसरे ऑक्सीजन एटम का कुछ और साइज़ है ऐसा कुछ नहीं है सबका सेम मास, एटॉमिक नंबर साइज केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है दिस इज फोर्थ पॉस्टुलेट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एनी अदर एलिमेंट इसका क्या मतलब है यही एग्जाम्पल लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ अगर मैं पहले बात कर लूँ कार्बन की और एक बात करूँ ऑक्सीजन की तो इसके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के सारे के सारे एटम्स सेम थे मास सेम था साइज सेम था नंबर सेम था प्रॉपर्टी सेम थी यहाँ अगर हम बात करें तो कार्बन के एटम्स का ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मास डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ऑटोमेटिकली डिफरेंट है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी टेबल में साइज डिफरेंट होगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी क्योंकि ये कार्बन के एटम की बात कर रहे हैं यहाँ हम ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं ये होता है फिफ्थ पॉस्टुलेट सिक्स की अगर हम बात करें सिक्स कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स जैसे कि इसी की ही हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स सी ओ टू यहाँ पे कार्बन है वन ऑक्सीजन है टू सिंपल होल नंबर है होल नंबर क्या होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होते यहाँ पे ऑलरेडी जो सी है वो वन है ऑक्सीजन जो है वो टू है तो ये होल नंबर है और जो फ्रैक्शन में नहीं है पॉइंट्स में नहीं है ऑटोमेटिकली उनका जो रेशो मिलकर क्या बनाते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं तो अगर मैं इसका रेशो ऊपर नीचे कर दूं कि कार्बन को टू कर दूं ऑक्सीजन को वन कर दूं तो क्या वो कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं तो क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन यानी कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ये कार्बन का है तो ये ऑक्सीजन का है ये दोनों मिलेंगे कैसे मिलेंगे किस रेशो में मिलेंगे होल नंबर रेशो में मिलेंगे और क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे तो ये हो गया आप लोगों का सिक्स पोस्टुलेट तो यहाँ हमने एक नया वर्ड पढ़ा है दैट इज कंपाउंड तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है किसी भी चीज को एलिमेंट बोल देंगे किसी भी चीज को मॉलिक्यूल मोलिक्यूल कंपाउंड बोल देंगे चलिए इसको डिटेल स्टडी करते हैं अभी डाउट क्लियर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स किन को कहते हैं कंपाउंड एंड एलिमेंट्स की नहीं कहते हैं तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स और उसके टाइप्स के तो हमने क्या कवर कर लिया है लॉस कवर कर लिए हैं एटोमिक थ्यूरी कवर कर लिया अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स तो मॉलिक्यूल क्या है टू और मोर एटम्स जब मिल जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेल के साथ तो सेल में दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलकर क्या उनका क्लस्टर ऑफ एटम बन जाता था सॉरी क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता था जिसे हम टिश्यू बोलते थे यहाँ पर क्या है एटम्स जो हैं वो दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर वो क्लस्टर बना देते हैं एटम का क्लस्टर मतलब कि गुच्छा बना देते हैं एटम्स का जिसे हम क्या बोलते हैं मोलिक्यूल कहते हैं तो अब यहां पर मोलिक्यूल भी है जो दो टाइप के हैं सबसे पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और क्या है मॉलिक्यूल ऑफ When atoms of same type of element combine together are called molecule of elements. जब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो atoms जो एक ही element के हैं वो मिलते हैं उसे हम बोलते हैं molecule of elements. और इसमें क्या है वो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इसको और डिस्कस करें तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसका मतलब है जैसे कि हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन एटसेट्रा इस तरह से लिखते हैं इसका क्या मतलब है यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है कितने हैं दो हैं और दोनों ही क्या है हाइड्रोजन यानी कि दो एटम्स हैं वो भी किसके हैं हाइड्रोजन के हैं यानी कि एलिमेंट कौन सा है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर दो एटम्स है ऑक्सीजन के ही दो एटम्स हैं राइट तो दो एटम्स ऑक्सीजन के यानी कि सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट कौन सा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पर भी सेम है दोनों नाइट्रोजन है यहां पर भी दोनों क्लोरीन है यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एक ही एलिमेंट के दो दो एटम्स हैं राइट तो उसे हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स तो मॉलिक्यूल्स तो है ही ऑब्वियसली क्योंकि ये दो से एक से ज्यादा है तो ये दो से ज्यादा वाले जब एटम्स मिल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर इसकी बात करें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिले यानी कि जैसे कि वाटर है वाटर क्या है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है यानी कि ये कितने बन गए टोटल कितने हुए तीन हो गए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो है तो ये टोटल तो तीन यानी कि इसको मॉलिक्यूल तो बोलेंगे ही बोलेंगे लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे क्यों क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए राइट तो इसे हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सिमिलरली जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं यहाँ पे कार्बन है वन ऑक्सीजन है टू टोटल कितने हो गए थ्री हो गई टोटल तो ये हो गया कार्बन का ये हो गया ऑक्सीजन का है तो डिफरेंट तो इसे हम क्या बोलेंगे मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहां पर एक टर्म आती है आपके पास अटोमसिटी अटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है जैसे कि अटोमिसिटी इसकी बात करें हम इसकी अटोमिसिटी कितनी होगी टोटल कितने टोटल कितने उसके एटम्स हैं दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का तो अटोमिसिटी वाटर की हो गई थ्री सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की अटोमिसिटी की बात करें तो कितनी होगी ये है कार्बन वन ऑक्सीजन है टू तो टोटल कितने हो गए थ्री हो गए सिमिलरली और एग्जाम्पल है इसकी अटोमिसिटी की बात करें तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है टू प्रेजेंट है नॉर्मल कोई और कंपाउंड ले लो जैसे कि अमोनिया लेते हैं एनएच थ्री होता है अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पर देखो नाइट्रोजन वन है और हाइड्रोजन थ्री है तो टोटल कितने हो गए थ्री प्लस वन फोर तो इसकी फोर क्या हो गई अटोमिसिटी तो ये होती है अटोमिसिटी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसे हम उसकी क्या बोलते हैं अटोमिसिटी सो so, हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया इस वीडियो में हम हमने कवर कर लिया डे दे, एटॉमिक थ्योरी लॉस मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स आल्सो अटामिसिटी भी हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट में हमने कवर करना है मॉलिक केमिकल फॉर्मूला फॉर्मूला मास एंड मोल कॉन्सेप्ट तो इसके लिए आई से जस्ट एक बार ये जो हमने फर्स्ट आ, वीडियो में हमने जो टेबल करी थी एक बार उसको जरूर पढ़ें सो दैट वो टेबल मैं आगे कवर करवा लू विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन समझाएंगे और क्या करवाएंगे वेलेंसी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो